नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप सभी को पता ही हमारे चैनल पर एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम, हरियाणा पुलिस हो या और भी कितने भी एग्जाम, दोस्तों उन सभी के लिए एक ना एक वीडियो हर रोज आपको इस चैनल पर मिलती है, जो कि आप सभी को एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक और सलावा है, अब की बार आ गया पार, लेकिन हम करेंगे एसएससी पार दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हरियाणा पुलिस स्पेशली एक और सलावा फ्री कोर्स आप सभी के लिए। दोस्तों, इसका कोई रिचार्ज वगैरह कोई बैच नहीं। दोस्तों, बस आप सभी को से एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आईपीसी और सीआरपीसी। दोस्तों, ये दोहराए दोस्तों क्या है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में जरूर मिलेगा, जो 31 सितंबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को हमारा एग्जाम रहेगा। दोस्तों, आपसे भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिस किसी ने अभी तक नहीं निकलवाया तो निकलवा सकता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आईपीसी की। आईपीसी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आईपीसी माने क्या, देखिए इंडियन पिनल कोड, ठीक है दोस्तों, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, इसकी मैं स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को, यानी कि ये कह सकता हूँ दोस्तों ये एक्ट आया था 6 अक्टूबर 1860 को, इस एक्ट को जो ना पास कर दिया गया था, ठीक है, ये इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो आईपीसी है ना, इंडियन पिनल कोड दोस्तों, इसको लागू किया गया था 1862 में, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, जो एचएसएससी ने पूछा था, एचएसएससी ने दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा दोस्तों, इन दोनों के मिक्सअप से क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों, कि इंडियन पिनल कोड कब लागू हुआ था। देखिए, लागू कब हुआ था हमारे हिसाब से 1862 पेपर के ऑप्शन में ही नहीं था दोस्तों, तो अब हम क्या करें, तो दोस्तों वहां पर एचएसएससी ने आंसर माना था 1860 ऑप्शन में था, 1861 भी ऑप्शन में था, ठीक है दोस्तों, लेकिन 1862 ऑप्शन में था हमारे हिसाब से, तो दोस्तों क्या 1862 में जो ऑफिशियल डाटा है लागू हुआ, लेकिन एचएसएससी ने आंसर माना 1860। क्यों आंसर माना दोस्तों, क्योंकि जब ये एक्ट बनेगा था ना दोस्तों, यानी कि एचएसएससी ने तभी मान लिया कि ये एक्ट लागू हो गया, ठीक है, 1860 में दोस्तों, तो इस उस क्वेश्चन का आंसर ये था। अगर आपको 1862 ऑप्शन में नहीं मिले दोस्तों, तो एचएसएससी ने आंसर मारती है 1860। उसके बाद दोस्तों देखिए, लागू 1862 में होता, अगर आपको 1862 ऑप्शन मिले तो आप 1862 पढ़ोगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सीआरपीसी की। देखिए सीआरपीसी दोस्तों जो है ना, 1973 में ये एक्ट आया था, 1973 में इसको पास किया गया, लेकिन लागू कब हुआ, इसके एक साल बाद 1974 में दोस्तों इसको लागू किया गया था, ठीक है। देखिए आईपीसी की मैं बात करता हूँ, आईपीसी में कुछ देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में कितने पार्ट हैं, उसके बाद आर्टिकल आते हैं, उसके भाग वगैरह आते हैं, ठीक है, उस तरीके से वैसे ही दोस्तों आईपीसी में क्या है, देखिए कुल पार्ट से, कुल जो इसके जो चैप्टर है दोस्तों, कुल चैप्टर इसमें रहेंगे, यानी कुल अध्याय इसमें रहेंगे 23 चैप्टर के अंदर जो है ना दोस्तों, हम पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ होंगी धाराएं दोस्तों, इसमें जो 23 चैप्टर में कुल धाराएं होंगी ना, कोई हमारी होंगी दोस्तों 511 धाराएं, इन 23 अध्याय के अंदर हमारी 511 धाराएं रहेंगी, जिनमें दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं अपनी करेंगे। देखिए पहली धारा 29, धारा 29 का संबंध है दोस्तों दस्तावेजों से, यानी कि कागजों से दोस्तों, आपके जो सरकारी कागज लगा लो या फिर आपके कोई जो पर्सनली कागज वगैरह से कोई छेड़छाड़ करता है या दोस्तों उनको रफा दफा सबूत भी हम एक तरीके से कह सकते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश कोई करता है, क्योंकि एक दस्तावेज होते हैं पर्सनली तरीके से, किसी को सजा मिल सकती है, किसी को दोस्तों बहुत जरूरी कागजात हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, तो धारा 29 रहेगी हमारे दस्तावेज से संबंधित। उसके बाद धारा 52 रहेगी दोस्तों दोषी को आश्रय देना, दोषी को आश्रय देने से संबंधित। देखिए इंपोर्टेंट करेंगे हम, आप ये सोचना दोस्तों 29 के बाद सीधी 52 करवा दी, इंपोर्टेंट धारा करेंगे, ठीक है। देखिए धारा 52 ने क्या, दोषी को सजा देना दोस्तों, किसी जो क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है, यानी कि किसी जो बता सकता हूँ दोस्तों, यानी कि कोई दोषी है, कोई क्रिमिनल है, उसने दोस्तों किसी की हत्या कर दिया, फिर किसी से कुछ लूटपाट कर लिया, यानी कि वो दोषी तो हो गया, लेकिन उसको पुलिस पकड़ने गई है या उसको तलाश पुलिस कर रही है, और किसी ने आपने उसको आश्रय दिया हुआ, यानी कि छुपा के रखना, आपने अपने घर में रखा, अपने फार्म हाउस में कहीं पर भी तो छुपा कर रखा है, तो दोस्तों उस के लिए आप भी दोषी हैं, उसको उस पर जो उस पर तो मुकदमा चलेगा जो उसने केस किया दोस्तों, लेकिन जो किसी ने उसको आश्रय दिया है इसमें हम या जो भी और कोई भी हो सकता दोस्तों, तो उस पर हमारा 20 धारा के तहत मुकदमा चलेगा, 52 के तहत दोषी को आश्रय देना, क्योंकि उसने ही तो दोषी को अपने घर में या कहीं पर भी आश्रय दिया छिपा कर रखा, ठीक है। उसके बाद 53A में हमारा दोस्तों हर देश के प्रदेश से निकलने के ऊपर जो भी केस वगैरह चलेगा वो हमारा 53A में चलेगा, ठीक है। उसके बाद 53 हमारा खाली दोस्तों दंड से संबंधित है, देश निकालने के लिए जो दंड
की परिभाषा है, धर्म संबंधित रहेगा, वो हमारा 53 में रहेगा। उसके बाद धारा 82 दोस्तों, ठीक है, धारा 82 रहेगा 7 साल से कम बच्चे का काम करवाना, 7 साल से कम बच्चा काम करवाना, ये धारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं पर भी कोई होटल हो दोस्तों, कोई फैक्ट्री वगैरह हो, या कोई भी ढाबे वगैरह, चाय की दुकान वगैरह कुछ भी हो, वहां पर अगर आपको दोस्तों 7 साल से कम उम्र का बच्चा काम करता पाया था दोस्तों, ये गैर कानूनी है, ठीक है। उसके मालिक वगैरह पर, या जो भी मालिक वगैरह है ढाबे का हो, कहीं का भी हो दोस्तों, उस पर जो ना धारा 82 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। 7 साल से कम बच्चे का उम्र, 7 साल से कम उम्र के बच्चे का किसी ढाबे वगैरह पे या कहीं पर भी काम करना, ठीक है। उसके बाद धारा 85, धारा 85 में क्या रहेगा दोस्तों, नशे की हालत में किया गया कार्य। लेकिन नशे की हालत में दोस्तों क्या है, जो भी कोई भी अकड़ व्यक्ति होता है, यानी कि जो भी अल्कोहल दारू वगैरह का सेवन करता है, तो दोस्तों क्या है, उसको नशा तो होता ही है, जो ज्यादातर और ज्यादा कर लेता तो बहुत ज्यादा होता, तो उसके द्वारा कोई भी नशे में या किसी लेडीज वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, किसी के घर वगैरह के साथ, किसी की संपत्ति के साथ कोई भी छेड़छाड़ वगैरह करता है दोस्तों, उसके तहत कार्रवाई होगी धारा 85 के तहत, क्योंकि उसने वो कार्य किसमें किया, नशे की हालत में वो कार्य किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला सप्तम देखिए, उसके बाद अगला धारा 120 है, धारा 120 में दोस्तों हमारा क्या रहेगा, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। कोई भी देखिए दोस्तों क्रिमिनल है, वो किसी भी क्राइम पकड़ने से पहले उसके बारे में एक रचना, एक चक्रव्यूह कह सकते हैं, एक सोच विचार कह सकते हैं कि हाँ मेरे को ये काम किस तरीके से करना है, तो उसकी एक जो है ना परिभाषा टाइप, नया परिभाषा तो मैं उसको नहीं दूंगा, यानी कि उसकी एक रचना करता है कि हाँ भाई मेरे को क्या क्या काम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, यानी कि जो पुलिस वगैरह है ना, वो उस परिभाषा के तहत उसको जैसे पकड़ते ले, अभी मान लो कोई क्रिमिनल कोई कानून करेगा, तो उससे उसकी परिभाषा जान के आपने हाँ किस तरीके से इसको इस काम को अंजाम दिया, उस तरीके की, यानी कि वो पूरी परिभाषा एक टाइप से उससे पूछेगी, हाँ हाँ किस तरीके से क्या क्या काम क्या काम और सबूत कहाँ से क्या किया, इस तरीके से पूरी, ठीक है, जानकारी लगी। उसके बाद धारा 120 बी में क्या रहेगी, जो अपराधिक षड्यंत्र या उसने रचा है या उसको रचने से पहले ही पकड़ लिया है पुलिस ने, तो उसका दंड 120 बी में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा हो दोस्तों बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों 141 पर। देखिए 141 में हमारा रहेगा गैर कानूनी जमानत। गैर कानूनी जमानत का मतलब आप समझते ही हो दोस्तों, कोई भी जो क्रिमिनल काम करने से पहले बहुत सारे क्या है, कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लेते हैं, यानी कि किसी पर कोई दोष सिद्धि होती है, पुलिस उसको क्या रहेगा, देखिए गैर कानूनी जमानत में हमारा रहेगा कोई भी दोषी दोष कर देता हो, पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए जाती है, तो वो क्या करता है दोस्तों, कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत लिया हुआ होता है, तो क्या है वो जमानत लिया होता है, लेकिन उसने वो काम तो कर दिया दोस्तों, तो उसी को हम बोल सकते हैं गैर कानूनी जमानत। एक तो देखिए दोस्तों जमानत किस तरीके से होती है, कि आप सभी पर वो मान लिया जिसने भी केस किया हुआ है या जिस पर भी वो केस हुआ उसकी सजा उसे मिल रही है, उस तरीके से आपको कोर्ट से जमानत मिला, लेकिन वो अग्रिम जमानत ले लेना, वो एक तरीके से दोस्तों हमारी गैर कानूनी जमानत रहेगी, ठीक है। उसके बाद हंगामा 159 में हंगामा या दंगा करना दोस्तों, देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी सार्वजनिक क्षेत्रों पर कोई भी हंगामा दंगा करने वालों को सजा मिल जाती है, क्योंकि एक कानून पास किया गया है दोस्तों कि आप किसी भी स्थान पर दंगा या जिससे दूसरों को आपके पड़ोसी पड़ोसी को या किसी को भी परेशानी हो, तो उसको हम दोस्तों क्या है हंगामा या दंगा करना कहते हैं, और इसकी सजा देखिए 159 के तहत दूसरे मुकदमा चलेगा या दंगा करने की उसको वो होगा दोस्तों कानून लागू होगा उस पर, ठीक है। लेकिन 160 के तहत हंगामा दंगा करने वाले को सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 300 होगी हमारी हत्या से संबंध दोस्तों, देखिए कोई भी क्रिमिनल किसी की हत्या कर देता है तो उस पर मुकदमा चलेगा धारा 300 के तहत, उस पर कानून चलेगा, और 302 में रहेगा दोस्तों उस हत्या से संबंध उसका दंड, कि उसको 7 साल की सजा देनी है, 10 साल की, किस तरीके से उसकी जो सजा दी गई होगी वो हमारी दी गई होगी 302 में। उसके बाद 304 बी है दोस्तों दहेज के संबंध में, देखिए दोस्तों 304 बी का संबंध किस तरीके से मैं आपको बताऊं, कि जब मान लो किसी की जो ना मैरिज हो जाती है और उनके शादी के बाद क्या उनके परिवार की जो ना स्थिति इसी तरीके से नहीं चल रही है, कि मियां बीवी में झगड़े वगैरह होते रहते हैं, तो उन पर क्या होता है कई बार जो ना जो उस मैं ये कह सकता हूँ उस महिला के पति वगैरह उनकी सास वगैरह ससुर वगैरह क्या होता है उसको दहेज प्रताड़ना के लिए तंग करते रहते हैं, कि भाई ये लिया वो लिया, इस तरीके से उनके आखिरकार मान लो ये मान लो कि विवाह उनसे तंग आ जाती है, या फिर वही जो उनके घर वाले हैं लड़की के सास ससुर उसको मतलब उसकी हत्या कर देते हैं, उसको जला देते हैं किसी भी तरीके से, उसको
दंड दे देते हैं, उस संबंध में क्या रहेगा, वो रहेगा दहेज हत्या के, दहेज हत्या से संबंध दोस्तों, यानी कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर देना, उसको मारना, वो मारा रहेगा दहेज के संबंध में, ठीक है दोस्तों, उसकी मौत। देखिए इसके बाद 304 बी के बाद आगे चलते हैं, 304 बी के बाद है दोस्तों 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 306 में रहेगा दोस्तों आत्महत्या के लिए उकसाना, सुसाइड के लिए, में दोस्तों मारा रहेगा आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक है, किसी को सुसाइड करने के लिए। देखिए दोस्तों बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं कि भाई किसी को ये कह देते हैं, मान लो किसी की एक एनएचएन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मियां बीवी के बीच झगड़ा हो गया, कुछ बात हुई भी, तो औरतें क्या करेंगी, दूसरे औरतें हाँ उसको किस तरीके से बता देंगे, यानी किसी बात को बड़ा चला उसको और भी ज्यादा परेशान कर देंगी, ये नहीं किया वो नहीं किया, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए अगर वो दोस्तों उसको पहले ही दुखी है तो उसको और भी ज्यादा दुखी कर देती है, यानी आत्महत्या के लिए कहीं ना कहीं विवश करना, क्या अभी तेरी जिंदगी में तो ये है इस तरीके से है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं और भी विवश करना। उसके बाद दोस्तों 308 रह गया कई कोशिश के लिए दंड, दोस्तों मरा कई कोशिश के लिए दंड, इसमें क्यों रहेगा दोस्तों, मान लो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की, ठीक है, उसकी हत्या मतलब ये कह सकता हूँ कि भाग्यशाली वो बच गया दोस्तों, तो अगर इसने हत्या करने की कोशिश की है, जिस व्यक्ति ने जो हमारा एक तरीके से वो दोषी तो हो गए दोस्तों, तो उसको सजा मिलेगी 308 के तहत, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की थी, भाग्यशाली या किसी कारण बस वो बच गया, तो वो उसका अलग कहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 309 दोस्तों सुसाइड के लिए सजा, आत्महत्या के लिए सजा 309 रहेगा, एक सेकंड दोस्तों स्क्रीन छोड़ लेना आपको जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है बहुत है दोस्तों। 309 हमारा रहेगा दोस्तों, इसके बाद 309 में रहेगा सुसाइड के लिए सजा, आत्महत्या के लिए सजा दोस्तों, कई बार जो भी व्यक्ति हैं, लेडीज हैं, जो भी है वो कई बार क्या है कि निकालने से बहुत भी विवश हो जाते हैं, तो सेल्फ सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अगर वो दोस्तों सेल्फ सुसाइड करते हैं और कई बार बच जाते हैं या बचा लेती है पुलिस वगैरह उनकी करवाए कोई भी, तो उस पर दोस्तों क्या है 309, ठीक है, सुसाइड के लिए सजा। आत्महत्या के लिए सजा 309 में। उसके बाद आगे बात करता हूं दोस्तों मैं 310 से, 310 में दोस्तों ठगी करना, किसी से ठगना, ठगी करना, ठगी, ठगी से हम क्या समझते हैं दोस्तों, मान लो देखिए आपने देखा होगा गांव वगैरह में, शहर वगैरह में भी, और आज तो ऑनलाइन वगैरह भी बहुत सारे ठग इस तरीके से हैकिंग वगैरह कर लेता है अकाउंट वगैरह, तो ये इस तरीके से ठगी होती है, ठीक है, ठगी एक तरीके से मैं आपको क्या देसी बात है मतलब मैं समझाऊं दोस्तों, क्या आपसे मैंने बहुत बार गाँव में देखा भी होगा कि भाई ये स्कीम आई हुई है, ये आई हुई है, तो आजकल क्या हमारा देखिए हमारे आप सब जानते हैं कि हमारे अकाउंट नंबर वगैरह जो है ना आधार कार्ड से लिंक है, तो गाँव वगैरह हम क्या करते हैं कि जी ये स्कीम आई हुई आई है, मान लो किसी को स्कीम के चक्कर में मैं गवा लेकर उसके जो है ना आधार कार्ड से रिलेटेड उसका नंबर ले लेते हैं और उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अकाउंट की सारी जानकारी उनके पास चली जाती है, तो दोस्तों वे उसके अकाउंट को आज इतना धन वगैरह जो भी कुछ अभी निकाल लेते हैं, तो ये एक तरीके से ठगी ही होती है दोस्तों, या और दूसरे प्रकार से भी होती है, चाहे वो धन लूटने वाली ठगी हो या दोस्तों सामान लूटने वगैरह की भी कोई भी चीज हो, उसको ठगी नहीं आती दोस्तों। उसके बाद 312 दोस्तों गर्भपात कराना, ये भी एक दोस्तों सजा है। देखिए गर्भपात कराना क्या दोस्तों, कई बार आपसे भी जानते हैं कि गर्भ में लड़की को मार दिया जाता है, तो ये एक तरीके से गर्भपात में यही होता है कि लड़कियों का जन्म ना हो, बहुत सारे व्यक्तियों की सोच होती है हमें तो लड़का ही चाहिए, इस तरीके से वो लड़कियों को जन्म ना देकर क्या करते हैं दोस्तों, उनको जो है ना अपनी माता के गर्भ में ही उनकी हत्या करवा देते हैं, तो गर्भपात कराना भी जो है ना किसी व्यक्ति को जो पकड़ा जाता है उसको दोस्तों 312 धारा के तहत करा देते हैं, 312 में क्या रहेगा हमारा गर्भपात कराना दोस्तों, क्योंकि हरियाणा सरकार भी दोस्तों हमारी भारत सरकार भी लड़कियों के प्रति काफी सचेत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक दोस्तों स्कीम चली हुई है जो पानीपत से हरियाणा सरकार ने चलाई थी 22 जनवरी 2015 को, मोस्ट इंपोर्टेंट थी दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, जो एक अलग से वीडियो में इनके बारे में कराऊंगा दोस्तों,
हरियाणा सरकार और भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। 112 के बाद अगला चलता हूँ तो 313 में है गर्भपात करना बिना स्त्री की मर्जी से। इसका मतलब बोल सकता है दोस्तों जबरन गर्भपात कराना। यहाँ पर देखिए दोस्तों गर्भपात कराना, देखिए कोर्ट वगैरह के ऑर्डर से तो दोस्तों गर्भपात हो जाता है, यानी कि जब कोर्ट वगैरह ऑर्डर देता है कि भाई बहुत सवाल आपने देखा हो रेप वगैरह के मामले में बहुत बार लड़की जो है ना गर्भवती हो जाती है, तो वहां पर क्या है दोस्तों कोर्ट वगैरह जो है ना उनको गर्भपात की मंजूरी दे देता है कि हाँ ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है यहाँ पर सीधा गर्भपात कराना जो दोनों किसी भी मामले में सहमति हो दोस्तों तो वहां पर करा सकते हैं। लेकिन 313 में हमारा क्या रहेगा कि जबरन गर्भपात कराना दोस्तों, मान लो कोई कोई जो है ना दोस्तों महिला गर्भवती है और उसका पति नहीं चाहता कि आप हाँ भी बेटी पैदा हो तो बेटी गर्भ में, एक तो गर्भ में लिंग की जांच ही दोस्तों एक हमारा जो ना भी कानून है कि लिंग हम नहीं बता सकते, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है दोस्तों। लेकिन 313 में क्या है जो गर्भपात कराना यानी कि जिस लड़की का या जिस महिला का जो गर्भपात है दोस्तों वो उसकी मर्जी नहीं है कि मैं ये कराना नहीं चाहती गर्भपात, लेकिन क्या उसके घर वाले या उसके पति वगैरह जोर देकर गर्भपात कराने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो वो हमारा 313 के तहत कार्रवाई हो सकती है कि बिना उस जो ना लड़की हो या वाइफ हो या कुछ भी दोस्तों कोई भी औरत हो उसकी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा दोस्तों 319 में है चोट पहुंचाना। किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के रूप में हमारी कार्रवाई होगी दोस्तों 319 के तहत। 320 में होगा हमारा चोट पहुंचाना, बहुत ज्यादा उसमें चोट पहुंचाना। 351 में हमला करना, हमला करना। देखिए दोस्तों तीनों ही एक संबंध बनता है। 319 में क्या चोट पहुंचाना, मान लो मैंने आपको दोस्तों मार दिए किसी आपका सर वगैरह टूट गया, किसी मतलब दो व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़का पक्का लड़ाई झगड़ा सिर वगैरह टूट गया, कुछ थोड़ी मोट चोट लग गई, तो वहां पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो हमारे दोस्तों एक तो देखिए आपसी संबंध वगैरह से पंचायती मामलों में भी अगर मैं गांव स्तर पर बात करूँ तो सुलझ झगड़ा हो जाता है दोस्तों, अगर लेकिन थाने तहसील तक बात पहुंच चुकी है तो वहां पर धारा 319 के तहत कार्रवाई होगी दोस्तों चोट पहुंचाना। लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर की बात होगी दोस्तों सख्त चोट पहुंचाना, यानी कि देखिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ दूसरे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मरा कर दिया, बिल्कुल मार मार के करीब तक चोट पहुंचा दी कि वो मरने की स्थिति में होगा, यानी कि सख्त चोट पहुंचा तो उसमें कार्रवाई होगी हमारे 320 के तहत। और 353 में हमला करना किसी दूसरे व्यक्ति पर दोस्तों उसकी कोई गलती भी नहीं है या उसका कोई दोष भी नहीं है उस पर हमला करना, हाँ 353 के तहत हमारी सजा है। उसके बाद 359 दोस्तों अपहरण करना या ले भागना, अपहरण यानी किडनैपिंग दोस्तों, किडनैपिंग से संबंध मार लेगा 359 अपहरण करना या ले भागना दोस्तों, इसमें किसी की भी हो सकती दोस्तों लड़की की बच्चे की या किसी भी तरीके की, ठीक है। उसके बाद 362 में दोस्तों भगा ले जाना, देखिए ले भाग रहा है यहाँ पर, ये नहीं दोस्तों यहाँ पर वो नहीं रहेगा लड़की का किसी अपने जैसे हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन से हम समझ सकते हैं कि भाई उसका दोस्त उसको ले भगाएगा, उसका संबंध हमारा रहेगा दोस्तों 362 में, 362 में भगा ले जाना। इसमें कोई व्यक्ति दोस्तों लेडीज को भी भगा कर ले जा सकता है, कोई लड़का लड़की को भी इस तरीके से दोस्तों उस पर केस लेगा इसमें भगा ले जाना, आप थोड़े से वर्डों की हेरफेर से ही समझ सकते हो दोस्तों भगा ले जाना और वहां पर ले भागना, ठीक है भगा ले जाना, ठीक है 362 रहेगा हमारे उसमें। 364 है दोस्तों हत्या के लिए भगाना, हत्या के लिए भगाना। देखिए दोस्तों ये कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट ही है आपसे भी कोई संबंध भी थोड़ा सा अपने आप लिख रहा होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं सबसे पहले 359 में अपहरण करना या ले भागना, किसी को दोस्तों क्या है अपहरण जो है ना पैसों के लिए भी कर सकते हैं या हत्या के लिए भी कर सकते हैं या फिर कोई जो दूसरे को ले भागना दोस्तों, यानी कि अपहरण करने की कोशिश करना या अपहरण, देखिए अपहरण तो उस तरीके से हो ही जाता है यानी उसको किडनैपिंग करके ले जाना, लेकिन कोई क्या दोस्तों कि ये हो सकता है कि किडनैपिंग वगैरह ना हो तो उसको भगा ले जाना एक दो व्यक्ति या कुछ भी दोस्तों एज इज, लेकिन आ जाएगा वो भी किडनैपिंग में ही सेम यहाँ पर हमारा इस चीज का मतलब रहेगा दोस्तों। और 362 में हमारा दोस्तों भगा ले जाना, कोई लड़की लड़के के साथ लड़का लड़की को भगा लेगा या लड़की लड़के को भगा लेगी या कोई व्यक्ति
ठीक है दोस्तों, और आपको बता देगा इस तरीके से 364 में हमारा क्या रहेगा हफ्ता है पहले बताना दोस्तों, कि क्या हमारा दो दोस्त है एक दो या फिर कोई लड़की उनकी मित्र दोस्तों, तो जो उनके बीच में रुकावट वगैरह हो या कुछ भी दोस्तों कोई केस हो सकता है मान लो उन दोनों तीनों के बीच, तो वो एक दूसरे को भगा ले जाते हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर तीसरे की हत्या की कोशिश करना, हत्या के लिए भगाना, हत्या के लिए भगाना हमारा रहेगा दोस्तों 364 में। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा 364 में रहेगा क्लोती के लिए भगाना, फिर उसी के लिए बताना दोस्तों यही है एक तरीके से, ये हमारा किडनैपिंग में ही रहेगा दोस्तों, यानी कुछ की जो अनापरण कर लिया और उसके लिए उसकी प्रोती मांगी यानी रंगदारी मांगी कि हाँ भाई मान लो दोस्तों कोई दोषी है उसने बच्चे को किडनैप कर लिया और उनके घर वालों के पास फोन किया कि हाँ भाई आप 5 लाख रुपए लेकर आ जाइए, तो आप अगर आप 5 लाख रुपए दोगे तो मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा नहीं तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, तो ये रहेगा हमारा प्रोती के लिए भगाना, उसको भगा लेगा उसको प्रोती से, ठीक है दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद है दोस्तों 366 रहेगा दोस्तों जबरदस्ती विवाह के लिए भगाना, जबरदस्ती विवाह के लिए भगाना दोस्तों ये हमारा रहेगा दोस्तों 366 में। देखिए दोस्तों कोई लड़की वो लड़का आपस में मित्र है, वो लड़की क्या दोस्तों शादी के लिए मान नहीं रही है, तो लड़का क्या है दोस्तों उसको जबरदस्ती जो होना विवाह के लिए कई बार भगा ले जाता था, उस पर कार्रवाई किसके तहत होगी दोस्तों धारा 366 के तहत उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने जबरदस्ती लड़की को भगा कर लेकर गया है और जबरदस्ती लड़की के साथ शादी की है दोस्तों, ठीक है 366 के बाद 366 है दोस्तों 366 में दोस्तों हमारा ये रहेगा। उसके बाद अगला दोस्तों 372 में दोस्तों हमारा रहेगा नाबालिग को शिक्षावृत्ति में डालना यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट करना दोस्तों, नाबालिग को वेश्यावृत्ति के धंधे में डालना दोस्तों सेक्सुअल हैरेसमेंट उसकी कराना, ठीक है दोस्तों ये हमारा रहेगा 372 में। उसके बाद अगला हमारा दोस्तों 378 दोस्तों चोरी करना, 378 चोरी से संबंधित, चोरी के लिए सजा। उसके बाद 390 में दोस्तों लूट करना रोबरी, 390 लूट करना यानी कि रोबरी, लूट खसोट एक तरीके से आप समझते होंगे दोस्तों बिल्कुल कि लूट खसोट करना, ठीक है। अगर जानकारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो फिर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक भी, आपसे भी इस वीडियो को पहुंचाएं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, बस आप दोस्तों हम क्या करते हैं आपसे बस यही तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में 4 ही दिन बचे हैं दोस्तों, और 4 ही दिन हम ऐसी ऐसी वीडियो आपसे भी भेजेंगे कि आपसे भी भेजो तीनों शिफ्टों में जो 6 शिफ्ट है दोस्तों 3 दिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे और हम नहीं चाहते आपका एक एक नंबर दोस्तों छूटे। 390 में दोस्तों लूटपाट से संबंध हमारा रहेगा किसी को व्यक्ति को जो पैसों के लिए लूटपाट करना या सामान लूटपाट करना उस तरीके से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है 393 में रहेगा लूट का प्रयत्न करना, लूट की कोशिश करना 393 में, लूट की कोशिश करना। लूट की कोशिश करना 393 में हमारा रहेगा दोस्तों। उसके बाद 396 में कैसे डकैती करना, 396 में कैसे डकैती,
इसमें हमारा क्या रहा है आजमन दोस्तों, देखिए कोई व्यक्ति किसी घर में डकैती डालने के लिए या चोरी करने ले जाता है और वहां पर वो व्यक्ति जल जाता है या वो भी चोरों को पकड़ने का प्रयास करता है, तो चोर क्या करते हैं उसकी हत्या भी कर देते हैं और उसके घर में डकैती डालकर वो चोर लूट कर सब कुछ चला जाता है। तो उसमें रहेगा कैसे ही डकैती करना 396 में, दोनों ही काम करना दोस्तों 396 में। उसके बाद 415 में छल करना, चीटिंग करना, 415 में चीटिंग छल करना धोखा देना, कोई व्यक्ति दूसरे के साथ पैसों में चीटिंग करना या फिर अकाउंट वगैरह में किसी भी तरीके की चीटिंग जो छल किया हुआ दोस्तों वो हमारा जमीन जायदाद वगैरह में छल करना वो हमारा 415 के तहत उस पे केस चलेगा छल करना। उसके बाद 417 इसी के लिए दंड रहेगा, चीटिंग के लिए दंड, इसमें इसके लिए दंड रहेगा दोस्तों चीटिंग के लिए दंड, ठीक है चीटिंग के लिए दंड रहेगा हमारा 417 में। उसके बाद दोस्तों 499 में मानहानि का केस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, मानहानि का केस मानहानि, ठीक है दोस्तों मानहानि किस तरीके से रहेगी दोस्तों, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ, मान लो दोस्तों मैंने कोई क्राइम भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया और मेरे को दोस्तों क्या किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ सर इसने ये काम किया है, तो मेरे को पुलिस पकड़ ले या पुलिस ले जाए कि हाँ उस केस की फिर पूछताछ वगैरह करे और मैं कहूँगा सर मैंने कुछ नहीं किया ये है, और पुलिस को कोई सबूत वगैरह भी नहीं मिले तो वो मेरे को बरी तो कर देंगे दोस्तों, कोई वो नहीं तो मैं उस व्यक्ति पर मानहानि का केस कर सकता हूँ कि उसने मेरे पर कैसे किस तरीके से क्यों FIR करवाई जब मैंने वो काम किया ही नहीं दोस्तों, तो ये होता मानहानि। तो उस पर दोस्तों उस व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा, धारा लगेगी 499 के तहत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों मानहानि का केस, ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। उसके बाद 25 में दोस्तों हमारा फ्रॉड दिया गया है, देखिए वो आपके सही मैं नीचे आया हूँ दोस्तों, द्वारा 25 हमारी रहेगी फ्रॉड, कोई व्यक्ति फ्रॉड होना फ्रॉड के लिए द्वारा 25, ठीक है दोस्तों द्वारा 25 रहेगी हमारी फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद द्वारा 18 रहेगी, 18 में रहेगा भारत शब्द की परिभाषा, भारत शब्द की परिभाषा ये हमारी रहेगी दोस्तों 18 में, हम जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। इसके बाद 22 में रहेगी चल अचल संपत्ति, बहुत ज्यादा संपत्ति होना चल अचल संपत्ति, धारा 22 में रहेगी चल अचल संपत्ति। उसके बाद 1218 में रहेगा दोस्तों पुलिस को गलत सूचना देना, 118 पुलिस को गलत सूचना देना, ये दोस्तों इंपोर्टेंट रहेगा पुलिस के एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों इस तरीके का हम क्या समझते हैं, मान लो भी कहीं पर क्राइम कर रहे हैं, चोरी चल रही है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि सोनीपत के जो ना ICICI बैंक में कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है या कुछ वहां पर चोरी हो, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हो नहीं रही है लेकिन पुलिस को सूचना दे दे कि हाँ सर 100 नंबर पर कॉल किया कि सर हाँ ICICI बैंक में चोरी हुई है सोनीपत, इस तरीके से तो वहां पर पुलिस पहुंचेगी लेकिन वहां पर कोई चोर वगैरह चोरी कुछ घटना इस तरीके से हुई नहीं है न हो रही है, तो वो झूठे व्यक्ति को जिसने पुलिस को फोन किया दोस्तों तो उस पर केस चल सकता था 118 के तहत, क्योंकि उसने पुलिस को गलत सूचना दी और पुलिस को क्या दोस्तों देखिए पुलिस वाले व्यक्ति जो हुए वहां पर पहुंचे उन्होंने जांच पड़ताल की लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला, किस तरीके की कोई यानी कि पुलिस का टाइम व्यर्थ करना, पुलिस को गलत सूचना हमारा हो जाएगा दोस्तों 118 में। वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हरियाणा पुलिस के लिए दोस्तों। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा 159 में हमारा रहेगा दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर दंगा करना, 159 में सार्वजनिक स्थान पर दंगा करना, ये देखा 159 में जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए, उसके बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि सर ये एक बार धारा वगैरह से क्वेश्चन करा दें, क्योंकि दोस्तों आपसे मैंने देखा है सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल और फीमेल कॉन्स्टेबल में धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, देखिए
धारा 122 हथियार जमा करना। हथियार जमा करना यानी कि देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस भी नहीं है। देखिए आप जानते तो हैं कि इन बंदूक वगैरह या जो भी शस्त्र होते हैं, इन सभी के लाइसेंस होते हैं जो भारत सरकार जारी करती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार जमा करता है तो दोस्तों उस पर केस चलेगा धारा 122 के तहत दोस्तों, ठीक है। धारा 124 है राजद्रोह दोस्तों, 124 है राजद्रोह, राजद्रोह हमारा रहेगा धारा 124 में। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा 140, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। 140 में क्या दोस्तों, पुलिस या आर्मी की ड्रेस में कोई कुछ अपराध करना। पुलिस या आर्मी की ड्रेस में लेकिन आज भी बहुत सारे व्यक्ति जो है इस तरीके से आपकी ड्रेस वगैरह टोपी वगैरह पहनकर घूमते रहते हैं। तो 140 के तहत दोस्तों के ऊपर यदि कोई पुलिस या आर्मी की ड्रेस पहन कर कुछ अपराध कर देता है, चाहे वो छोटा मोटा कुछ भी अपराध हो दोस्तों, तो उस पर धारा 140 के तहत केस चल सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों 172 में दोस्तों कोर्ट के सम्मन की अवहेलना, कोर्ट के सम्मन का आदर न करना। कोर्ट के सम्मन की अवहेलना दोस्तों क्या देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जमानत पर आता है तो कोर्ट क्या उसको सम्मन भेजता है कि आप अपनी तारीख, उसके बाद क्या दोस्तों की तारीख लगती है जमानत पर आने के बाद भी, अगर अपनी 2-3 तारीखों पर वो नहीं जाता है, कोर्ट में उपस्थित नहीं होता जज के सामने, तो क्या कोर्ट से दोस्तों एक लेटर है जिसको हम सम्मन बोलते हैं दोस्तों, वो उस दोषी व्यक्ति के लिए जारी होता है, तो वो उनके घर पर वगैरह या उसी को मिलता है दोस्तों, जब सम्मन देने कोई भी व्यक्ति पुलिस वाला आता है या जो भी जो व्यक्ति हो दोस्तों जिसको भेजा जाएगा वो उनके घर पर आता है दोस्तों। तो क्या है जिस व्यक्ति को सम्मान दे देता है वो उसके बाद भी अगर सम्मान मिलने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो दोस्तों उसको क्या है कोर्ट के सम्मान की अवहेलना माना जाता है, उस पर एक और दोष यानी उस प्रकार वही दोष 172 धारा के तहत दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है धारा 182 में झूठा केस करना। अभी मैंने बताया दोस्तों मान आने से कहीं ना कहीं संबंध रहेगा झूठा केस करना, यानी कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया उस पर केस करना, तो हम क्या दोस्तों जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ केस किया ना उस व्यक्ति के खिलाफ हम दोबारा केस कर सकते हैं, यानी वो हमारे तो उस पर मानहानि का केस होगा दोस्तों, और इस व्यक्ति ने झूठा केस भी हम पर किया तो दो केस उस पर कहीं ना कहीं बनते दोस्तों। उसके बाद क्या है 191 में झूठा सबूत या झूठी गवाही देना। झूठा सबूत या गवाही, झूठी गवाही क्या दोस्तों, इसमें देखिए कोई व्यक्ति है किसी का दुश्मन हो सकता है, किसी का दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए क्या दोस्तों एक दूसरे व्यक्ति ने झूठी गवाही दे दी, यानी कि उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया भी नहीं है, उस व्यक्ति ने वो देखा भी नहीं है, लेकिन क्या कई बार वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दे देते हैं, उनको खरीद लिया जाता है कि हाँ सर इसने ये काम किया था, ये किया ऐसे ऐसे किया था, ये किया था, तो क्या है उसने झूठी गवाही दी, यदि मान लो उस व्यक्ति के खिलाफ जांच पूरी हुई उसको सजा मिले या नहीं मिले तो अलग बात है, लेकिन जिसने झूठी गवाही झूठे सबूत पेश किया दोस्तों उस पर 191 के तहत मुकदमा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों धारा 192 झूठे प्रमाण पत्र देना। धारा 192 में इसी से रिलेटेड रहेगा दोस्तों, देखिए झूठे प्रमाण पत्र देना। उसके बाद इंपोर्टेंट रहेगा धारा 201 सबूत मिटाना। सबूत मिटाना से आप सभी समझते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति क्राइम करके क्राइम स्थल पर जितने उसके सबूत हथियार वगैरह हो कुछ भी हो दोस्तों उन सभी को जलाना मिटाना गायब करना, ठीक है। 201 में रहेगा सबूत मिटाना। 301 गैर इरादतन हत्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे सभी लास्ट में, गैर इरादतन हत्या
यानी कि उस व्यक्ति से वो कोई हत्या का मतलब भी हत्या के संबंध में कुछ भी नहीं जानता, उसको कोई जानता वगैरह भी नहीं है, लेकिन उसकी क्या है, उसका इरादा ही नहीं था कि हत्या करने का, उसे कुछ लूटपाट करने तो उसमें हत्या हो जाए, तो उसमें हमारा लेवल तो गैर इरादतन हत्या है, क्योंकि उसका इरादा नहीं था लेकिन उसने फिर भी उसकी हत्या कर दी, गैर इरादतन हत्या। 326 रहेगा हथियार, खतरनाक हथियारों से हमला करना, 326 इसमें करना, सी जेल बंदूक वगैरह हो सकती, खतरनाक हथियारों से हमला करना। सरकारी कर्मचारी पर हमला करना ड्यूटी के दौरान, अगर वो ड्यूटी पर है दोस्तों, ठीक है ये रहेगा हमारा 332 में दोस्तों। उसके बाद हमारा रहेगा 375 में दोस्तों, रेप बलात्कार से संबंधित, और 376 में रहेगी दोस्तों इसकी सजा, रेप की सजा दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर आप सभी को, 376 में रहेगी दोस्तों हमारी रेप के लिए सजा, बिल्कुल रेप के लिए सजा हमारी रहेगी दोस्तों 376 में। बस कुछ ही धाराएं आपके लिए बाकी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, ठीक आप सभी से हम यही मांग कर दोस्तों की चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बस हमारा यही एक मोटिवेशन होता है दोस्तों, आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट वो पीछे काम सभी आपको करा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 354 में किसी का पीछा करना दोस्तों, 354 में पीछा करना, दोस्तों बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के आप किसी व्यक्ति का पीछा नहीं कर सकते, अन्यथा वो आपके खिलाफ केस कर सकता है, जिस काम पर मुकदमा आपका चलेगा दोस्तों 354 के तहत। 326 भी रहेगा दोस्तों किसी पर तेजाब फेंकना, तेजाब फेंकने से रिलेटेड, तेजाब फेंकने से रिलेटेड और तेजाब फेंकना या कोशिश करने से रिलेटेड, तेजाब फेंकने की कोशिश करना, तो उस पर हमारा चलेगा दोस्तों 326 बी के तहत कार्रवाई होगी उस पर। उसके बाद धारा 16 ये आत्मरक्षा में हत्या दोस्तों, देखिए आप अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे लेकिन उसके धोखे में दूसरे व्यक्ति की हत्या होना, तो 100 के तहत, धारा 100 के तहत आप पर केस लेगा आत्मरक्षा में हत्या दोस्तों। देखिए कोई व्यक्ति आया तो आपकी हत्या करना है लेकिन आप अपनी रक्षा कर रहे हैं और अचानक कोई चक्कू वगैरह या कोई कुछ भी गोली बंदूक की गोली वगैरह वो दूसरे व्यक्ति को लग जाती है, तो आप पर क्या किस तरीके से केस चलेगा, आत्मरक्षा ही होगा, आप रक्षा करने में हत्या दोस्तों उसकी, तो धारा 100 के तहत। उसके बाद चलेगा दोस्तों धारा 144 आपसे भी जानते हैं शांति कायम करना, मोस्ट इंपोर्टेंट 144 शांति कायम करना, ये कई बार राष्ट्रपति शासन वगैरह या कहीं पर दंगे वगैरह हो तब बहुत ज्यादा दंगे उसको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी धारा 144, ठीक है। उसके बाद धारा 157 किसी व्यक्ति को पेश करना दोस्तों 24 घंटे में, 24 घंटे में पेश करना, ये कहीं ना कहीं धारा जो संविधान का आर्टिकल 32 शरीर होते हैं वहां पर भी होता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी उस व्यक्ति दोषी हो या ना दोषी उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना दोस्तों। 376 में रहेगा दोस्तों रेप का दंड, ये मैंने आपको बताया कि रेप की सजा और रेप का दंड दोस्तों 376 में, किसी की लापरवाही से जान जाना 304
किसी की लापरवाही से जान जाना दोस्तों। मान ले कुछ दोस्तों खतरनाक काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति मान लो किसी तरीके से लापरवाही कर देता है और वहां पर दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उस व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा 304A के तहत लापरवाही से उसने दूसरे व्यक्ति की जान ली दोस्तों। उसके बाद 350 RCMP का दोस्तों, बलपूर्वक किसी से गलत काम कराना। बलपूर्वक गलत काम करवाना हमारे रहेगा दोस्तों 350। तो दोस्तों ये रही हमारी इंपॉर्टेंट IPC CRPC की धाराएं। आप से यहां से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा हरियाणा पुलिस में जो हमारे आने वाले एग्जाम है दोस्तों अभी 3-4 दिन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। बस आपसे भी से यही रिक्वेस्ट, हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, बने रहें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए डाटा के साथ। और कमेंट करके भी बता दें दोस्तों जो आपको टॉपिक करना है, आप सभी की बिल्कुल जो कमेंट होंगे दोस्तों उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा, माना जाएगा और कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो हम लेकर आए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। मिलते हैं कल दोस्तों, हैव ए नाइस डे।